क्वेश्चन है फाइंड पावर ऑफ बैटरी। इस क्वेश्चन में हमें पावर ऑफ बैटरी फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा आर इफेक्टिव, क्योंकि हमें पता है पावर ऑफ बैटरी क्या होता है। पावर ऑफ बैटरी होता है ई इंटू आई, ई आई होता है हमारे पास पावर ऑफ बैटरी, तो आई निकालने के लिए आर इफेक्टिव निकलेगा। तो आर इफेक्टिव के केस में ये दोनों हमारे पास क्या है, पैरेलल में, ये दोनों हमारे पास पैरेलल में है, तो इनका आर इफेक्टिव क्या आ जाएगा, 10। इनका आर इफेक्टिव हमारे पास आ जाएगा 10, इन दोनों का आर इफेक्टिव हमारे पास आ जाएगा 10 ओम। अब ये तीनों आपस में क्या होगी, सीरीज में, तो इनका आर इफेक्टिव क्या आ जाएगा, 30 ओम। इनका आर इफेक्टिव क्या आ जाएगा हमारे पास, 30 ओम। और इन दोनों को देखें तो इन दोनों ये क्या है, पैरेलल में, तो इनका आर इफेक्टिव आ जाएगा 20 ओम। और ये सारे क्या हो जाएंगे अब सीरीज में, तो 20 और 5 25 और 30, तो ऊपर भी 30 नीचे भी 30, तो दोनों का आर इफेक्टिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 ओम। तो आर इफेक्टिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 ओम। आर इफेक्टिव क्या आ गया हमारे पास, 50 ओम, बिकॉज 20 20 इन पैरेलल, तो दोनों का आर इफेक्टिव 10, फिर 10 10 और 10, तीनों क्या हो गए सीरीज में, तो आर इफेक्टिव 30। तो यहाँ पे इन सबको हटा के हम क्या लगा सकते हैं, 30, इनको हटा के हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे 1 ओम का 30 ओम का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। अब इन दोनों का आर इफेक्टिव 40 और 40 का आर इफेक्टिव 20, और ये तीनों अब क्या हो गए सीरीज में, तो इनका आर इफेक्टिव क्या हो गया, 30, तो इनको भी हटा के हम क्या लगा सकते हैं, 1 लगा सकते हैं, कितने का, 30 का। तो आर इफेक्टिव हमारे पास क्या आ जाएगा, अब दोनों ये पैरेलल में, तो आर इफेक्टिव क्या आ गया, 15 ओम। आर इफेक्टिव हमारे पास आ गया 15 ओम, तो इस वजह से हमारे पास आई क्या आ जाएगा, बी बाय में आर, बी हमारे पास है 150 और डिवाइडेड आर है 15, तो हमारे पास आई कितना आ गया, 10 एम्पियर। तो हमारे पास पावर ऑफ बैटरी क्या आ जाएगी, ई हमारे पास 150 और इनटू में आई है 10, तो आर इफेक्टिव हमारे पास दिस 1500 इज द आर इफेक्टिव। ओके, दिस इज द क्वेश्चन।